है भारतीय दफ्तरों का हाल और ये है विदेशी दफ्तरों का हाल। घड़ी में 8 बजे हूँ या 10, भारतीय दफ्तरों में काम पूरा होने से मतलब है, जब तक काम पूरा नहीं तब तक घर नहीं। भारत वो देश है जिसके वर्किंग आवर्स कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। 100 साल पहले ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के लोग जितना काम करते थे, आज हम भारतीय उतना ही काम करते हैं। ये टॉप 5 देशों के वो शहर हैं जहां सबसे ज्यादा काम होता है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है मुंबई का। यहां एक हफ्ते में 63 से 64 घंटे काम किया जाता है। अगला है हनोई, यहां एक हफ्ते में 51 से 52 घंटे तक काम किया जाता है। मैक्सिको में लोग एक हफ्ते में 50 से 51 घंटे तक काम करते हैं। दिल्ली में 48 से 49 घंटे और बोगोटा में 45 से 46 घंटे तक काम किया जाता है। सबसे कम काम करने वाले देशों में सबसे पहला नाम आता है इटली का। रोम में लोग एक हफ्ते में 30 से 31 घंटे तक काम करते हैं, वहीं पेरिस में 31 से 32 घंटे, डेनमार्क के कोपेनहेगन में 32 से 33 घंटे, मॉस्को और हेलसिंकी में 33 से 34 घंटे तक काम किया जाता है। जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये वो 7 देश हैं जहां काम करने के घंटे 59% कम हुए हैं। वहीं कंबोडिया, चीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, जमैका, रूस और भारत, वो 7 देश हैं जहां काम करने के घंटे बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ भारत की ही बात करें तो 1970 में औसतन साल भर में 2077 घंटे तक काम होता था, वहीं 2020 में ये बढ़कर 2117 हो गया, मतलब सीधे सीधे 2% की बढ़त। और वहीं चीन में वर्किंग आवर्स में 10% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ लोग साल भर में 2174 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन किस काम में लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, अब वो जानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सोने में अपना समय बिताते हैं और इनमें चीन सबसे आगे है। इसके साथ ही पैसे के लिए काम करने में भी चीन के लोग सबसे आगे हैं। बगैर पैसे के काम करने में अमेरिका के लोग अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। घरेलू काम में अपना समय बिताने में भारत के लोग सबसे आगे हैं। और वहीं टीवी देखने, खाना खाने और खाली समय बिताने में अमेरिकन सबसे आगे हैं। अगर हम भारत में ही सिर्फ ऑफिस वर्किंग आवर्स की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि काम के घंटे कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ने की संभावना है।